नाजरीन, शुगर का करेले से इलाज। तरीक़ेकार यूँ है, 6 अदद करेले लेकर आधा गिलास पानी में करेले डालकर ग्राइंड कर लें और बड़े बर्तन में निकाल कर अपने दोनों पाँव के तलवे इसमें डिप कर लेने हैं। आपके तलवे भीग जाएंगे। जैसे आटा गूंदते हैं उस तरह पाँव को चलाते रहें। इसका दौरानिया 30 मिनट है। 30 मिनट के अंदर अंदर आपकी ज़बान कड़वी हो जाएगी और पाँव को बाहर निकाल लें और ये अमल तीन हफ्ते रोज़ाना करें और रिज़ल्ट ग्लाइकोमीटर पर चेक करें, शुगर कंट्रोल पाएंगे। 3 अदद भिंडियां लें, उनके सर काट दें और साइडों पर 3 चीरे छुरी से लगा दें। रात को आधा गिलास पानी के अंदर भिगो दें और सुबह निहार मुँह दुआ पढ़कर पानी पी लें। ये दोस्तों कुदरती इंसुलिन है। नुस्खा नंबर आगे है, तूड़ी 2 जो जानवरों को खिलाई जाती है 3 चम्मच रात को पानी में भिगो दें। सुबह उठकर छान कर पानी को निहार मुँह पी लें। ये बढ़ती हुई शुगर को कंट्रोल करती है। नाजरीन, करेलों और प्याज की हांडी बनाकर हफ्ते में 4 दिन इस्तेमाल करें और रोज़ाना सुबह आधा घंटा वाक ज़रूर करें। इस तरह आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। नाजरीन, तीसरे कलमे का आखिरी हिस्सा 100 बार सुबह और 100 बार शाम पानी पर दम कर के पी लें, शुगर कंट्रोल पाएंगे इंशाल्लाह। कुश्ता शीरी पिस्ता बहरीन, जिसे कहा जाता है, पंसार की दुकान से वाफर मकदार में मिलता है। सफ़ू बनाकर सुबह शाम 1 चाय का चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। शुगर को इंशाल्लाह ताला आप कंट्रोल पाएंगे और इस शुगर का जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। नाजरीन, एक और नुस्खा आपको हम बताते हैं। जामन की गुठली की गिरी 60 ग्राम खुश्क करके उसका सफ़ू बना लें और 3 ग्राम सफ़ू पानी के साथ दिन में 2 मरतबा पी लें। इस तरह आपका जो है शुगर लेवल ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, जड़ से ख़त्म हो जाएगी। एक नई नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब का रेड बटन आपके सामने है, उसको प्रेस करें। उसके साथ बेल का बटन है, उसको प्रेस करें। उसके साथ इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।